तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉटलैंड और पीएनजी के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के पांचवें मैच के बारे में। स्कॉटलैंड जिसने बांग्लादेश को हरा के ये दिखा दिया कि भाई हम भी किसी से कम नहीं, और पीएनजी की टीम ओमान से बहुत ही बुरी तरीके से आ रही, 10 विकेटों से जो है पीएनजी जो है हार के आ रही है। तो इन दोनों टीमों में आप कंपेरिजन ऐसे कर सकते हो कि कौन सी टीम स्ट्रांग है। स्कॉटलैंड बांग्लादेश को हरा के आ रही है और पीएनजी ओमान से 10 विकेटों से हार के आ रही है। तो मोस्टली इस मैच की विनर आपको स्कॉटलैंड देखने को मिलेगी। अब आप देखो, आपको बताइए, चाहे कोई टीम विन करे चाहे कोई टीम हारे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी टीम में आपको किस प्लेयर को लेना है वो चीज मैटर रखती है। अभी जो वुमेन्स का मैच चल रहा है, थोड़ा बहुत हमने रिस्क लिया, और रिस्क ऐसा लिया जो परफेक्ट रिजल्ट हमको देके जाएगा, जो हमें मिनी ग्रैंड लीग भी विन करवाएगा। T10 फॉर्मेट का भी रिजल्ट आपके लिए बेहतरीन जाएगा। दोनों मैचेस में आपकी वन साइडेड विक्ट्री होने वाली है। अब इस मैच की बात आती है, तो इस मैच की पहले आप वीडियो देखो और फिर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। बट उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहूंगा, काफी यूजर पहली बार आए होंगे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। उसके अलावा वीडियो अगर आपको लगे कि हाँ भाई वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो एक लाइक जरूर कर देना। फाइनल टीम आफ्टर टॉस में आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, जहां पर आप लोगों की तरह लगभग 169,000 से ज्यादा मेंबर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो गेम डिपेंड होंगे, आपको पता है स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करेगी तो हमें उस बेसिस पे टीम बनानी है, स्कॉटलैंड बॉलिंग करेगी तो हमें उस बेसिस पे टीम बनानी होगी। बाकी ज्वाइन करना चाहते हो नहीं चाहते हो डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं इसमें हम केवल मेजर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इन दोनों टीमों ने जो मैच खेला वो दिखा देता हूं। तो गाइस देखो, ओमान के अगेंस्ट जो है पीएनजी का मैच हुआ था, जो कि ओमान ने 10 विकेटों से जीता। अब आप देख सकते हो 10 विकेटों से जीत रही है, यानी कि इनकी बॉलिंग कमजोर है, और 129 रन का स्कोर किया, यानी कि इनकी बैटिंग भी कमजोर है। अब जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपको उन पर ध्यान देना है। सबसे पहले असद वल्ला, चार्ल्स अमीनी, और उसके अलावा यहां पर आप लोग देखोगे सी बासु, ठीक है, ये तीन प्लेयरों ने कुछ परफॉर्मेंस दिखाया, बाकी सारे के सारे परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए थे। असद वल्ला जो हमारी टीम के लास्ट मैच में कैप्टन भी थे, अगर आप लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता भी होगा। तो गाइस देखो, यहाँ से आपको समझ में कम आएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। वेन्यू रहेगा अल अमेरट क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ये मैच आप लोग देख रहे हो ना ओमान और पीएनजी का, तो आप देख सकते हो यहीं पर यह मैच हुआ था, ठीक है, अल अमेरट क्रिकेट ग्राउंड टर्फ वन के अंदर, और यह मैच भी टर्फ वन के अंदर होने वाला है। मैच स्टार्ट होगा इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 3:30 पे, ठीक है। लाइव मैच होगा स्टार स्पोर्ट, अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो देख सकते हो। पिच रिपोर्ट आप लोग यहां से आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। पीएनजी का मैच है ना, तो पीएनजी देखो लास्ट मैच में कोलैप्स हो गई थी ओमान के अगेंस्ट, तो आप ये मान सकते हो कि जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो पहले यहां पर बॉलिंग करना चाहेगी, क्योंकि आप देख सकते हो सेकेंड इनिंग के अंदर पिच थोड़ा सा बैटिंग के अकॉर्डिंग हो गया था, ठीक है। और वैसे भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहां पर देखो मैंने ट्रेंड के हिसाब से बैटिंग फर्स्ट लिखा है, लेकिन अगर आप मैचेस को देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट ने यहां पर 20 मैच जीते 31 मैचेस के अंदर। अब ट्रेंड तो आपको बताया कि चाहे टीम हारे जीते कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पहले वो बैटिंग ही करेंगे, इसलिए ट्रेंड वाइज तो बैटिंग करना चाहिए, और अगर वो पिच के हिसाब से चलते हैं तो बॉलिंग करना आसान होगा इनके लिए, विनिंग के लिए, ठीक है। रीजन मैं आपको पहले मैच का जो रिजल्ट आया उसका भी बता चुका हूँ, और टोटल 31 जो मैचेस हुए उनके बेसिस पे भी आप कंपेरिजन कर सकते हो। ICC रैंकिंग में स्कॉटलैंड की जो रैंक है वो 14 है, PNG की 19 रैंक है। स्कोर बहुत बड़ा है तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, डायरेक्टली चलते हैं हम प्लेइंग 11 में। एक बार आप इनका जो परफॉर्मेंस है लास्ट मैच में पीएनजी का वो देख सकते हो। मेन चीज देखने वाली ये है कि लेगासी आका, ठीक है, बंदा ओपन भी किया और प्लस में आपको यहां पर 2 ओवर बॉलिंग भी करके दिया, यानी कि बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा। ड्रीम 11 में जब आप जाओगे तो लेगासी आका का जो सिलेक्शन है काफी कम आपको देखने को मिलेगा, ओनली 15%। ओपनर प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर, सिलेक्शन केवल 15%, ठीक है। तो बैटिंग ऑर्डर भी आपके सामने, किसने क्या परफॉर्मेंस दिखाया वो भी आपके सामने है, ठीक है। बॉलिंग की मैं बात करता हूँ, बॉलिंग में आप लोग देखिए किसी को कोई विकेट नहीं मिला, हालांकि जो मेन प्लेयर है ना, देखो एन बोकाना इनका सबसे मेन बॉलर है, उसके अलावा सेकेंड नंबर पर यहाँ से डी रावू है, और फिर यहाँ पर चार्ल्स अमीनी, ये तीन प्लेयर इनके मैंने, असद वल्ला भी मैंने, लेकिन बॉलिंग साइड से ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। ये बॉलिंग का परफॉर्मेंस रहा है इनके लास्ट मैच का, और आपको अगर इनका स्टेट्स देखना है कि कौन प्लेयर कैसा है, तो ये इनका स्टेट्स भी है, आप लोग नाम के अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊँगा टाइम आपका स्पेंड होगा ज़्यादा, और मैं टाइम स्पेंड करने वालों में से है नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ से ये ध्यान रखना, 100 प्लेयर खेलता है तो 15 मैच के अंदर 16 विकेट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और कोई प्लेयर है भी नहीं। हम चलते हैं डायरेक्टली स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11 में, जो केल कोटजर है, काफ़ी गंदी फॉर्म में केल कोटजर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और वैसे भी अगर आप लोग सही तरीके से जो स्कॉटलैंड के मैचेस को खेलते देखते हो, तो कोटजर मैक्सिमम
मैचेस में जीरो पे ही जा रहा है, ठीक है, एक बहुत ही गंदी फॉर्म में। लेकिन कोर्टजेर का मैं अगेन कहूंगा कि जीएल की टीमों में आप एज ए नॉर्मल प्लेयर कम से कम इसको लेके चलना। जॉर्ज मुंसी केएल कोर्टजेर ओपन करेंगे जो टीम के कैप्टन है, उसके अलावा मैथ्यू क्रॉस वनडाउन, रिचार्ड बैरिंगटन, फिर कैलम मैकलियोड, क्रिस ग्रीव्स ने लास्ट मैच में बहुत अच्छी इनिंग खेली, इन्हीं के कारण जो है ना मैच में विनिंग हुई स्कॉटलैंड की, क्योंकि बैटिंग से इन्होंने 45 रनों का स्कोर किया, बॉलिंग से इन्होंने जो है 2 विकेट लिए, ठीक है। और हालांकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो इनकी विक्ट्री है ना इसी बंदे के कारण हुई, इसीलिए इसको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। लेकिन सेकंड नंबर पे अगर किसी के कारण विक्ट्री हुई तो ब्रैड व्हील है। ब्रैड व्हील के बारे में मैंने आपको एक दिन बोला था, बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत ही शानदार बॉलर है, लेकिन उस मैच पर इसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था, तो आप लोगों ने कहा कि यार भाई क्या, मतलब कुछ भी कह देते हो, लेकिन अब आपके सामने प्रूफ है कि बंदा क्या है। और ये वैसे भी जो इंग्लिश टी20 ब्लास्ट के बंदे हैं जो मैचेस को फॉलो करते हैं उनको पता भी होगा ब्रैड व्हील क्या गजब का बॉलर है, ठीक है, इस वक्त स्कॉटलैंड से खेल रहा है। तो देखो यहाँ से रिकार्ड बैरिंगटन, कैलम मैकलियोड, क्रिस ग्रीव्स, मिचेल लिस्क, मार्कवट, जॉश डेवी, सफियान शरीफ, ब्रैड व्हील, ये इनकी प्लेइंग 11 रहेगी और इनका परफॉर्मेंस आपके सामने है। ये चीज़ें तो आप खुद भी देख सकते हो, अगर आप खुद देखोगे ना तो मेरे से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप लोग ला सकते हो, क्योंकि फिर आप लोग आसानी से, आपके पास टाइम भी होता है, आप आराम से भी देख सकते हो, ठीक है। मैं तो आपको एक अभी जो लॉजिकली चीज़ें हैं ना वो बताऊँगा, ठीक है। ओपन डेथ आप देखोगे जॉश डेवी, ब्रैड व्हील ओपन है, डेथ में सफियान शरीफ, ब्रैड व्हील, सॉरी। तो यहाँ से स्टेट्स में देखो जॉर्ज मुंसी है, स्टेट्स इनके जस्ट नीचे हैं, केएल कोर्टजेर हैं उनका स्टेट्स उनके नीचे हैं, जो भी प्लेयर आप देखोगे उनका स्टेट्स आपको उनके नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और क्रिस ग्रीव्स तो भाई बड़ी गजब फॉर्म में है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ और आप बताने की जरूरत भी नहीं है, आपने लास्ट मैच में भी देखा है। अगर ये प्लेयर खेलते जैसे कि हमजा ताहिर हो गए, अलेस्टर इवांस हो गए, डायलन बर्ग हो गए, तब उस केस में आपके लिए स्टेट्स काम आएगा, ठीक है। अब बात हो गई ये सारी चीज़ों की, अब हम चलते हैं हमारी टीम की तरफ जो मैं इस मैच के लिए स्मॉल लीग में यूज करूंगा। बट अगेन मैं आपको वही बात कहूंगा कि जो फाइनल टीम होगी टॉस के बाद वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लेना अगर आपने नहीं किया है। तो देखो गाइस टीम में जो चेंज होंगे वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो मैंने 7-4 का कॉम्बो रेडी किया है, 7 प्लेयर मैंने स्कॉटलैंड के लिए, 4 प्लेयर मैंने पीएनजी के लिए। रीज़न आपको बताया, स्कॉटलैंड के चांसेज विनिंग थोड़े से हाई है। तो यहाँ से देखो टीम है ये मेरी, इसमें जो मेरा कैप्टन है, देखो 3-4 बेहतरीन ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ब्रैड व्हील है, हालांकि क्रिस ग्रीव्स ने बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन जो इस वक्त अगर सही तरीके से देखोगे, और हालांकि अगर सबसे ही बेस्ट देखोगे तो असद वल्ला है, क्योंकि ये बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे दोनों करेंगे, तो ये बेहतरीन कैप्टन है और मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूँ कैप्टनसी में। थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना हमेशा ही खराब होता है। वीसी में एक ऑप्शन चार्ल्स समीनी का है, सेकंड ऑप्शन रिकी बैरिंगटन का है, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्रिस ग्रीव्स का है, चौथा ऑप्शन आपके पास ब्रैड व्हील का है। तो ये मेरी टीम है, कैप्टन हो गया असद वल्ला, वाइस कैप्टन ब्रैड व्हील, ये मायशोर की टीम है। डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम टीम ड्रीम इलेवन की होगी, कोई चेंज नहीं रहने वाला है ड्रीम इलेवन टीम में, सेम डिट्टो टीम आपको ड्रीम इलेवन में लगा देनी है। और गाइस ये फैंटाफीड की टीम है, डाउनलोड लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखो विकेट कीपर है मैथ्यू क्रॉस, जॉर्ज मुंसी बैटिंग सेक्शन में। यहाँ पर हम बेहतरीन चीज़ यहाँ की है कि आप लोग जो है ना बिना किसी दिक्कत के टीम्स को रेडी कर सकते हो, कभी ना क्रेडिट की इशू आती है ना कभी कुछ, और टीम कॉम्बिनेशन बनाना भी मतलब थोड़ा सा बेटर है। देखो डाउनलोड लिंक दिया है, जो बंदे खेलते हैं ना उनके लिए ये टीम, जो नहीं खेलते उनको सजेशन ही दे सकता हूँ, बाकी खेलना नहीं खेलना डिपेंड उनके ऊपर ही करता है। तो यही वही सेम टीम है, बस इसमें मैंने जो बैट्समैन है वो एक ही लिया है, ठीक है। और जो पोकाना है उसको यहाँ पर मैंने टीम में इंक्लूड कर लिया, डी राबू को भी टीम में इंक्लूड कर लिया है, वही सेम कैप्टन वही सेम वाइस कैप्टन। देख लीजिए दो तो ऊपर के हो गए, 3 ऑलराउंडर हो गए, 6 बॉलर्स को लिया है, ठीक है। जो फेंटा के यूजर्स है वो इस टीम के साथ जा सकते हैं, जो ड्रीम की यूजर है, जो मायशोर की यूजर है, अभी जो बैकअप पिछले कुछ सेकंड्स पहले मैंने आपको टीम दी, आप उसके साथ जा सकते हैं। उम्मीद रहेगी कि ये मैच हमारे लिए एक परफेक्ट रिजल्ट वाला मैच निकले, बाकी तो मैं आपको आफ्टर टॉस जो भी अपडेटेड टीम होगी वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। मैंने आपको ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और मैंने आपको दोनों एप्लीकेशंस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो एप्लीकेशंस को, और टेलीग्राम से ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन भी हो सकते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।